गाइस, दुनिया में पानी से चलने वाली कार की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर हम लोग उसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। चलिए गाइस, जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में और ये क्या है। उससे पहले वीडियो अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के। चलिए गाइस, चालू करते हैं। तो गाइस, जो पानी से चलने वाली कार है उसका नाम है हाइड्रोजन कार, क्योंकि पानी डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पानी जलता नहीं है, हाइड्रोजन जलती है। पानी के अंदर रहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स। अब अगर अलग कर देंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। गाइस, पहली चीज़ जो इसको इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा अभी अलग करने में ही, सारा खर्चा निकल जाएगा। इसका दाम होगा 1 लीटर का 70-80, और पेट्रोल का दाम भी उतना ही है लगभग, लेकिन महंगा ज़्यादा होगा ट्रांसपोर्ट। दूसरी चीज़, इसको स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए, होगी ये गैस है, गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करना। और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिस्की है कम्पेयर टू पेट्रोल, क्योंकि गैस थोड़ा सा भी लीकेज हो धमाका ख़त्म पूरा पेट्रोल पंप। और कार में भी इस्तेमाल करेंगे, क्या पता कार में कुछ हो गया तो कार में पूरी पूरी वही फूट सकती है। ऐसे पेट्रोल कार में बहुत रेयर होता है कि अभी कार में आग लग गई, पर हाइड्रोजन कार में कॉमन हो जाता है ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं है और ये हाइड्रोजन फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलता है हाइड्रोजन। कैलोरीफिक वैल्यू आपने पढ़ा होगा साइंस में, कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी में काम नहीं किया गया, इसमें कई इंजन भी बनाए गए हैं जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हाइड्रोजन इंजन है, ये पहले हाइड्रोजन गैस को लेता है, फिर गैस इसके अंदर बहुत सारे कन्वर्टर्स लगे रहते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस रिलीज़ कर देते हैं। इसका जो एग्जॉस्ट में से निकलता है पानी निकलता है गैस। और यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी केवल 35 हाइड्रोजन स्टेशन है, केवल 35 हाइड्रोजन। अब वहीं 35 जगहों से ही फ्यूल भरवा सकते हैं यूएस में, तो इंडिया में तो भाई आने में बहुत टाइम लगेगा। हाइड्रोजन कार को खरीद भी लेते हैं तो उसको फ्यूल कहाँ से मिलेगा, इतने तो कम है यूएस में, जब इतने कम है तो इंडिया में तो भाई पूछना का ही नहीं। दिल्ली जैसे सिटीज़ में भी होंगे एक दो। तो गाइस, यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन कार पावर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।